निजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। यदि आप इस कष्ट से मुक्ति चाहते हैं तो उनकी प्रार्थना कीजिए, इनका परामर्श मान लीजिए और इस पर्वत के स्वामी की प्रार्थना कीजिए। मेरा केवल एक ही मनोरथ है और एक ही लक्ष्य, विश्व विजय। इसकी सिद्धि अवश्य होगी लंकेश। महाराज, जब भी मैंने आपसे उनके संबंध में जानने का विचार किया तो आपने हमें कोई भी उत्तर नहीं दिया। क्यों महाराज, आप मौन क्यों हो गए? देवी कौशल्या, कुछ प्रश्नों के उत्तर मौन ही होते हैं। जब भी हमें अपने पुत्रों की याद आती है या उनके संबंध में वार्ता होती है तो हमें बहुत दुख होता है और हम अपने दुख को और नहीं बढ़ाना चाहते और ना ही आपको दुखी करना चाहते हैं। महाराज, तो क्या हम अपने पुत्रों से नहीं मिल सकते, उनके सुख दुख का हाल नहीं जान सकते? देवी कौशल्या, इस संबंध में हमने कुलगुरु वशिष्ठ जी से विचार विमर्श किया था। उनका कहना है कि हमें महर्षि विश्वामित्र पर विश्वास करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में ही हमारे कुमार उचित योग्यता प्राप्त करेंगे। नहीं स्वामी, ये हमारे कुमारों की योग्यता का प्रश्न नहीं है, ये एक माँ की ममता का प्रश्न है, हमारी भावनाओं का प्रश्न है, इन आंसुओं का प्रश्न है स्वामी, जो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते। हम विवश हैं कौशल्या, विवश हैं। हम आपके दुख को समझते हैं। राम लक्ष्मण की प्रतीक्षा के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। जब भी इस संबंध में महारानी कैकेयी से वार्ता होती है तो वे यही कहती हैं कि हम पुत्र मोह से ग्रसित हैं, हम उनके भविष्य के संबंध में नहीं सोचते। नहीं स्वामी, कैकेयी हमें भ्रमित कर रही है, उन्हें राम लक्ष्मण की कोई चिंता नहीं है, उनके लिए तो आश्रम ही हमारे कुमारों का भविष्य है। नहीं देवी कौशल्या, इसमें महारानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उनके विचार हमसे भिन्न हैं। वो कुमारों को एक योद्धा के रूप में देखना चाहती हैं। इसलिए तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को महर्षि के साथ जाने के लिए समर्थन किया था। क्या उन्हें भरत की चिंता नहीं थी? फिर उन्होंने भरत का नाम क्यों नहीं लिया? क्या वो भरत को योद्धा के रूप में नहीं देखना चाहते स्वामी? आप चाहे जो भी समझे, परंतु वो हमें हमारे राम और लक्ष्मण से दूर करना चाहती है। कितनी कठोर है वो। इससे उन्हें कौन सा लाभ होगा महारानी कौशल्या? ये तो वही जाने स्वामी, किंतु जब से हमारे कुमार यहाँ से गए हैं वो अत्यंत प्रसन्न रहती है।
वो तो कभी कुमारों को बुलाने की बात भी नहीं करती है। एक दिन तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि हमें अपने कुमारों की चिंता है तो उन्हें वही विश्वामित्र के आश्रम में छोड़ दो। कितनी निर्बल है वो। देवी कौशल्या, भगवान शिव की कृपा से जो कुछ भी होगा शुभ होगा। हमारे राम और लक्ष्मण जहां भी होंगे सकुशल होंगे और उचित समय पर हमारे पास लौट आएंगे। हम वाली का वध क्यों नहीं कर सकते? क्या वो इतना ही बलशाली है? गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। आपने हमें याद किया गुरुदेव। हाँ कुमार राम, मिथिलापति महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और इस यज्ञ में उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। गुरुदेव, क्या वहां ढेर सारे ऋषि महर्षि एकत्रित होंगे? हाँ कुमार लक्ष्मण, ऋषि महर्षियों के साथ बहुत सारे राजकुमार भी आएंगे और उन कुमारों में तुम दोनों भी होगे। गुरुदेव, क्या वहां हमें राक्षसों से धनुष यज्ञ की रक्षा करनी होगी? नहीं कुमार, हम उस यज्ञ में अतिथि होंगे और उस यज्ञ में तुम दोनों को एक नया अनुभव होगा। गुरुदेव, इस यज्ञ का नाम धनुष यज्ञ क्यों रखा गया है? इसलिए कि मिथिलापति जनक की पुत्री सीता का विवाह उसी से होगा जो उस विशेष धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा। क्या वो कोई दिव्य धनुष है गुरुदेव? हाँ कुमार राम, वो साक्षात महादेव शिव का धनुष है। बड़ी रोचक कथा है गुरुदेव, उस धनुष को देखना हमारा सौभाग्य होगा। प्रजापति ब्रह्मा के वंशज, त्रिलोक विजयी,
लंकेश रावण गंधर्व राज मित्र वसु के इस स्वागत समारोह से प्रसन्न हुआ, धन्य हुआ, जिसकी उपस्थिति मात्र से देवलोक कांप उठता है, जिसके एक हुंकार से पृथ्वी डोलने लगती है, जिसके पराक्रम के आगे देवता भी भयभीत होकर यहां वहां भागने लगते हैं, उस लंकेश रावण का सम्मान करके गंधर्व राज मित्र वसु ने राक्षस संस्कृति पर अपना विश्वास प्रकट किया है। और यह सिद्ध किया है कि इस भूलोक की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो वो राक्षस संस्कृति है। केवल राक्षस संस्कृति कदाचित गंधर्व वासियों को यह पता नहीं है कि यह लंकेश रावण लंका से यहां आर्यों के अत्याचार की सूचना सुनकर आया है। वैजनपुर में महाराज सांबर का राज्य था, आर्यों के राजा देवोदास ने उनका वध कर दिया। जानते हैं क्यों वध किया? उनका वध केवल इसीलिए किया गया क्योंकि वो राक्षस जाति के थे। राक्षस जाति महाराज सांबर की पत्नी हमारी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन है, जो इस समय एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है। यह लंकेश रावण इन आर्यों की मनमानी नहीं सहेगा। नहीं सहेंगे हम आर्यों का अत्याचार। लंकेश रावण आर्यों की मनमानी रोकने आया है। लंकेश रावण आप चिंता ना करें, गंधर्व राज सदैव आपके साथ है और पूरी सेना आपकी सेना है। गंधर्व राज मित्र वसो, हमें आपकी और आपके सेना के साथ की नहीं अपितु आपका समर्थन चाहिए। कदाचित आप लोग नहीं जानते कि हमने अपने तप त्याग और योग बल से इस सृष्टि में सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। संकट मोचन जय हनुमान। कौन है वो जो अब भी लंकेश रावण के समक्ष चुनौती बनकर खड़ा है? बाली। लंकापति लंकापति लंकापति। हमें सूचना मिली है कि लंकापति रावण महादेव शिव से वरदान प्राप्त कर विश्व विजय के लिए निकल चुका है। ऐसे में आशंका प्रबल हो जाती है कि वो किष्किंधा पर भी अपना अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। मैंने भी सुना है लंकापति रावण के संबंध में, साक्षात काल को परास्त किया उसने। उस महाबली ने यमराज को परास्त कर यमलोक पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसे परास्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वो किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसे में वो अवश्य किष्किंधा पर अधिकार करने की चेष्टा करेगा। सुग्रीव, हमें किष्किंधा के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाली को युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता, वो बहुत बलशाली है।
आप ऐसा ना कहें ऋचराज जामवंत जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं ही उस वाली का वध कर सकता हूँ। हनुमान, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बलशाली हो, परंतु भविष्य का निर्धारण मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाता है, जिसे बदलना असंभव है। आप कहना क्या चाहते हैं ऋचराज? तो क्या मैं संपूर्ण जीवन ऐसे अज्ञातवास में व्यतीत करता रहूंगा? तो क्या मैं अपनी भार्या रूमा को भ्राता बाली के बंधन से मुक्त नहीं करा पाऊंगा? मैं किस किंधा की प्रजा के समक्ष अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊंगा? ऋचराज, हनुमान का यहाँ आना हमारे लिए किस तरह उपयुक्त है? क्या हनुमान का यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा? क्या हनुमान हमारी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पाएंगे? आप अधीर ना हो महाराज सुग्रीव, हनुमान का यहाँ आना सुनियोजित है। हनुमान प्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता भले ही ना कर सकें, पर हम उनकी सहायता के बिना सफल भी नहीं हो सकते। पुनः हनुमान के होते हुए तुम्हें बाली से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन है वो जो अब भी लंकेश रावण के समक्ष चुनौती बनकर खड़ा है? बाली। परंतु ऋचराज, हम वाली का वध क्यों नहीं कर सकते? क्या वो इतना ही बलशाली है? बाली देवाधिदेव महादेव का परम भक्त है, उसे चतुरानंद ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है कि जो कोई भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए ऋचराज? हमें प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, वो स्वयं ही यहाँ आकर तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। ऋचराज, आपने कहा कि भ्राता बाली को जीत पाना असंभव है, तो ऐसे में प्रभु श्री राम हमारी क्या सहायता करेंगे? नहीं महाराज सुग्रीव, मेरे प्रभु श्री राम से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है। बल बुद्धि और विद्या के स्वामी है प्रभु श्री राम। पर हनुमान, श्री राम यहाँ क्यों आएंगे? ऋचराज सत्य कह रहे हैं महाराज सुग्रीव, प्रभु श्री राम यहाँ अवश्य आएंगे, उन्होंने हमें वचन दिया है, इसलिए उचित समय पर वो अवश्य आएंगे। अब तुम अपने गृह प्रदेश चले जाओ। प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हनुमान, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, पर अब तुम्हें जाना होगा। समय आने पर मैं स्वयं तुमसे मिलूंगा और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि हम जब पुनः मिलेंगे तो कभी भी नहीं बिछड़ेंगे। हनुमान, हमारी भुजाओं में इतनी शक्ति है जो पाषाण को भी खंड खंड कर सकती है।
हम आपसे केवल इतना जानना चाहते हैं मित्रवसु, कि इस लोक में कोई है जो हमारी शक्ति का सामना कर सके? क्षमा करें महाराज, आपका सामना तो इस संसार में कोई नहीं कर सकता, किंतु एक है जो आपका सामना कर सकता है। मित्रवसु, कौन है वो? कौन है वो जो अब भी लंकेश रावण के समक्ष चुनौती बनकर खड़ा है? किष्किंधापति बाली। किष्किंधापति बाली? हाँ लंकेश, किष्किंधापति बाली जो अत्यंत बलशाली और अजेय है, वो आपका सामना अवश्य कर सकता है। क्या वो किष्किंधापति बाली मेरे परशु का प्रहार सहन कर सकता है? नहीं लंकेश, कदापि नहीं, किंतु आप उससे मित्रता कर सकते हैं जो अत्यंत लाभकारी है। उसकी सहायता से आप संपूर्ण वानर राज्य पर अपना अधिकार कर सकते हैं। किंतु हम मित्रता केवल उसी से करते हैं जो शक्ति में लंकेश रावण के समान। वो तो तभी ज्ञात होगा जब वो स्वयं आपके समक्ष होगा। वो दिन अति शीघ्र आएगा मित्रवसु, जब किष्किंधापति बाली लंकेश रावण के समक्ष होगा। लोग महर्षि गौतम की पूरी कथा सुन नहीं लोगे तब तक तुम दोनों को शांति नहीं मिलेगी। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।